नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल टेक्निकल स्टडी ज्ञान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम लेकर आ गए हैं करंट अफेयर्स का ये एक्सप्रेस, नेक्स्ट एक्सप्रेस जो कि होने वाला सिक्स, जी हाँ सिक्स पार्ट लेकर आ गए हैं। आज है 10 अक्टूबर 2019। जितने भी आज से रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले हैं करंट अफेयर्स के, सब आपके सामने प्रेजेंट होने वाला है। और साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं इसका पीडीएफ, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से जाके लिंक पर जाके जुड़ जाइए। और साथ ही साथ वहाँ पर बहुत सारे जितने भी पीडीएफ आ चुके हैं सब आपको एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और हमारे इस छोटे से फैमिली में आके जुड़ जाइए। और यदि आप करना चाहते हैं यूपीपीएससी जेई ATGT2 UPRVNL SSC जेई जैसे ऑल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन रिलेटेड तैयारी, तो यहां पे बिल्कुल आपका हेल्प होने वाला है। यहां पे आपको जीके जीएस से भी रिलेटेड क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज मिलेंगे और साथ ही साथ यूपीपीएससी जेई ATGT2 के यहां पे टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं, तो इसके लिए आप यहां पे जुड़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर वन का। आज का क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने है कि पांचवी विश्व संसद विज्ञान धर्म और दर्शन MIT विश्व शांति विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, पुणे, पटना, नई दिल्ली, काशी। तो जल्दी से हमें इसका आंसर बता दीजिए मित्रों कि इसका आंसर क्या होगा। यदि बात करें राइट आंसर का, तो राइट आंसर क्या होगा, नंबर ई होगा, बिल्कुल पुणे में इस शहर में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। चलिए इसके कुछ एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि पांचवी विश्व संसद विज्ञान धर्म और दर्शन महाराष्ट्र के पुणे में MIT विश्व शांति विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित अमेरिकी अभिनेत्रियों में से किसने गोल्डन ग्लोब जीता, हाल ही में निधन हो गया। निम्नलिखित में से अमेरिकी अभिनेत्रियों में से किसने गोल्डन ग्लोब जीता, हाल ही में निधन हो गया। आपके पास चार ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन में से आपको राइट आंसर चूज करना है। कैथरीन हेपबर्न, लॉरेन वकल, दीहानंद कैरोल और जूडी गारलैंड, ठीक है। तो जल्दी से इसमें से आंसर बताइए हमें। यदि हम आंसर की बात करें तो नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। दीहानंद कैरोल जो थी ये क्या हो गई हैं, ये क्या थी, अभिनेत्री थी, अमेरिकी अभिनेत्री थी जो कि गोल्डन ग्लोब इन्होंने जीता था और इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया, मृत्यु हो गई, ठीक है। चलिए कुछ इससे रिलेटेड बात करते हैं कि गोल्डन ग्लोब जीतने वाली गोल्डन ग्लोब जीतने वाली और 1962 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए टोनी अवार्ड, ठीक है। यहाँ से और भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1962 में कौन से अवार्ड जीती थी, तो 1962 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए टोनी अवार्ड जीतने वाली पहली अश्वेत महिला थी, ठीक है, जो हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से किससे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड के लिए नामित किया गया है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, चारों में से आपको राइट आंसर चूज करना है और जल्द से जल्द कमेंट करके हमें बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। साथ ही साथ ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करते रहिएगा और कमेंट करते रहिएगा, जिससे हमें पता लग सके और हमें मोटिवेशन भी मिलता रहे, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, नंबर सी, मतलब नादिया मुराद और बिडेनिस मुकवेगे दोनों यहाँ पे क्या है, राइट आंसर होगा। दोनों को क्या किया गया है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड के लिए नामित किया गया है, ठीक है। और इससे रिलेटेड यदि हम बात करें तो नादिया मुराद और डॉक्टर डेनिस मुकवेगे को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड के लिए नामित किया गया है, ठीक है। साथ ही साथ यदि बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि IPC राजद्रोह कानून किस धारा के तहत प्रस्तुत किया जाता है। IPC राजद्रोह कानून, राजद्रोह के लिए कौन से कानून किस धारा के तहत प्रस्तुत किया जाता है। राइट आंसर आपका जल्दी बताइए, यहाँ पे धारा 121, धारा 123, धारा 124, धारा 122। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। इसके यदि बात करें राइट आंसर का, तो राइट आंसर क्या होगा, नंबर सी राइट आंसर होगा, धारा 124, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड की बात करें, स्पष्टीकरण की बात करें, एक्सप्लेनेशन की बात करें, तो IPC के तहत धारा
1 to 4A, ठीक है, 1 to 4A ने देशद्रोह या कानून व्यवस्थाओं की गड़बड़ी या हिंसा के लिए उकसाने की प्रवृत्ति आदि के लिए राजद्रोह की संबंधिकता को बरकरार रखा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वीर कुटुंब रैली आयोजित की गई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में वीर कुटुंब रैली आयोजित की गई थी। आपके सामने चार ऑप्शन है, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और नई दिल्ली और राजस्थान, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए, राइट आंसर क्या होगा, नंबर बी होगा, जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्यों में वीर कुटुंब मतलब वीर कुटुंब रैली आयोजित कहाँ पे की जाएगी, जम्मू कश्मीर में की गई थी। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से किसे ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। आपके सामने फिर से हैं चार ऑप्शन, जल्दी से आंसर बताइए। और यदि हम आंसर की बात करें तो आंसर क्या होगा, ए होगा, अनुमुला गीतेश शर्मा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। राहुल श्रीवास्तव जी को, पंकज शर्मा, नंदन नीलेकड़ी, स्मृति ईरानी, ठीक है। तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए यदि बात करें राइट आंसर का, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है बी, पंकज शर्मा जी को, कौन सा होने वाला है, पंकज शर्मा, मतलब बी आंसर आपका राइट होगा, ठीक है। पंकज शर्मा को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन निरस्त्रीकरण जिनेवा में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस ब्रांड के नाम को 2019 के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ अवार्ड ऑफ कॉर्पोरेट एक्सलेंट ACE से सम्मानित किया गया है। आपके सामने फिर से है चार ऑप्शन, कोका कोला कंपनी, बिसरेली, पेप्सिको इंडिया और माउंटेन ड्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से हमें आंसर बताइए यदि हम बात करें राइट आंसर का, तो राइट आंसर आपका होगा नंबर सी, पेप्सिको इंडिया को, ठीक है, सम्मानित किया गया है, ठीक है। अमेरिका ने पेप्सिको इंडिया का नाम 2019 के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ अवार्ड फॉर कॉर्पोरेट एक्सेलेंस के लिए रखा है, ठीक है। चलिए विश्व डाक दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 11 अक्टूबर और 10 अक्टूबर, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर की यदि हम बात करें तो राइट आंसर क्या होगा आपका, 9 अक्टूबर, मतलब बी आपका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, साथ ही साथ इसके बारे में कुछ बात करना चाहें। विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन कई देशों में डाक नए उत्पादों और सेवाओं का परिचय प्रसार करती है, ठीक है। तो यहाँ से इतने सारे पॉइंट बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि निम्न में से किस कंपनी ने इस साल दिवाली के लिए हरे पटाखे विकसित किए हैं। निम्न में से किस कंपनी ने इस साल दिवाली के लिए हरे पटाखे विकसित किए हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं आपके स्क्रीन पे कि फेसबुक, CSIR, ITI और नासा। जल्दी से हमें राइट आंसर बताइए, ठीक है। और यदि राइट आंसर की हम बात करें राइट आंसर क्या होगा, नंबर बी आपका राइट आंसर होगा मेरे मित्रों, CSIR, ठीक है, राइट आंसर होगा आपका, ओके। यहाँ पे क्या हुआ था, CSIR ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इस दिवाली के लिए ग्रीन क्रैकर्स विकसित किए हैं। यह सुविधा
NEERI में स्थापित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि सलवा ईद नसीर जो महिलाओं के 400 मीटर विश्व खिताब जीतने वाली पहली एशियाई बनी, निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं। सलवा ईद नसीर जो महिलाओं के 400 मीटर विश्व खिताब जीतने वाली पहली एशियाई बनी, निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं। सऊदी अरब, फिलिस्तीन, बहरीन और भारत। ठीक है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते रहिए। और बात करें यहाँ पे राइट आंसर का, तो क्या होगा, नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। बहरीन जो है ये इस बहरीन ये बहरीन देश से ये क्या करती हैं, संबंध रखती हैं। ठीक है, तो नसीर महिलाओं के 400 मीटर विश्व खिताब जीतने वाले पहले एशियाई बने। उसने ओलंपिक चैंपियन साउने मिलर ईबो, कौन से, साउने मिलर ईबो के शासनकाल की एक करारी हार की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी 21 अक्टूबर को महिला स्पेस वॉक आयोजित करने जा रही है। इसमें से कौन सी ऐसी एजेंसी है जो कि 21 अक्टूबर को, आने वाले 21 अक्टूबर को क्या कर रही है, महिला स्पेस वॉक आयोजित करने जा रही है। आपके सामने चार ऑप्शन है, जल्दी से आंसर बताइए। यदि हम राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर ए होगा, नासा। नासा क्या कर रही है कि 21 अक्टूबर को महिला स्पेस वॉक आयोजित करने जा रही है। ठीक है, नासा अक्टूबर 2019 को, 21 2019 को महिला स्पेस वॉक आयोजित करने जा रही है, जिसे पहले स्थगित कर दिया गया था, जिसे पहले रोक दिया गया था। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में।